The dragon seed. Temujin? Temujin? बेटा मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही थी? देखो माँ, ये देखिए, मैंने ये बनाया है। क्या है ये? तुम्हें सब ख्याल कहाँ से आते हैं? क्या तुमने इन्हें पहले कहीं देखा है? अरे मेरे सपनों में माँ, और कभी कभी जागते वक्त भी देखा है। ये जो घेरे तुमने बनाए हैं टेमुजीन, ये रिंग्स हैं इसके जैसी। ये बहुत ही खास रिंग है। ये कई सालों से अपने परिवार में है और एक दिन जब तुम तैयार हो जाओगे तब ये तुम्हारी होगी। वाओ, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। वो तुम ही हो जो सारी रिंग्स को फिर से एक साथ ला सकते हो। और जब ऐसा होगा तुम नए नए कारनामे करोगे, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत है। मेरी किस्मत? नौ रिंग्स? आपने ठीक कहा था, जहाँ मेरे पूर्वज नाकामयाब रहे वहीं मैं कामयाब होऊंगा। जब दसवीं रिंग मेरे पास होगी तब पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। चलो भी सैटेलाइट, मुझे पता है तुम काम कर रही हो। जीन और उसकी स्टुपिड मक्लुआन रिंग्स कहाँ है? हम हैं कहाँ? शांत हो जाओ पिपर, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। शांत कैसे हो जाओ? रूडी, तुमने मेरी आँखों पर पट्टी बांध रखी है, मुझे बिल्कुल अंधा बना दिया है, और कह रहे हो शांत हो जाओ। हम बस बहुत 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 नजदीक है। पर ये तो बताओ, ये सरप्राइज है किस चीज के लिए? मेरा बर्थडे तो 3 महीनों बाद है। हाँ, पर टोनी इतनी देर इंतजार नहीं करना चाहता था। टोनी? क्या सच में? वाओ, ये क्या, क्या ये? बिल्कुल, क्या ये सच में? हाँ, पेपर पॉट्स, आप फक्र से कह सकती हैं कि आज से आप स्टार्क सॉल्यूशंस की X-51 स्टेल्थ इन्फिल्ट्रेटर आर्मर की मालकिन हैं। टोनी, क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? पूरी दुनिया में किसी ने आज तक किसी को इतना बढ़िया तोहफा नहीं दिया होगा। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम्हें ये पसंद आया? पसंद आया? मजाक कर रहे हो क्या? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने सोचा कि जब तुमने पुराने स्टेल्थ आर्मर के साथ प्रैक्टिस कर ही ली है तो। हाँ, उसके लिए माफ करना। नहीं, छोड़ो भी, अब ये सोचो तुम खुद को बुलाओगी क्या? आयरन गर्ल कैसा रहेगा? नहीं, आयरन नेट नहीं, रुको, आयरन वुमन। नहीं, ये सारे तुम्हारे नाम पर से हैं। मुझे एक अनोखा नाम चाहिए जो सबसे अलग और सबसे बढ़िया हो। देखो ये क्या बन गई है। तो पेपर, इससे पहले कि तुम अपना कवच पहनो, तुम्हें सुरक्षा के कुछ जरूरी नियम जानने होंगे, उसके बेसिक ऑपरेशंस, उसके फंक्शंस और। मैं इसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जाती हूँ, बस आस पास ही, अभी कुछ ही घंटों में लौट आऊंगी, ठीक है? पेपर सुनो, रुको। उम्मीद है कि पूरा शहर बर्बाद न हो जाए। वो यहाँ से ज्यादा दूर ना जाए तो अच्छा होगा। मैं भी अपना कवच पहन रहा हूँ। एक सिल्वर और पर्पल वंडर, कभी देखा है ऐसा नजारा? वो, पेपर, पेपर, पेपर। क्या है? मुझे प्रैक्टिस तो करने दो, माफ करना। पेपर, हद हो गई, तुम्हें अभी अपने सूट के बारे में बहुत कुछ जानना है। इससे पहले कि तुम किसी बड़ी बिल्डिंग में घुस जाओ मैं तुम्हें। मुझे पता है, मेरे पास भी तुम्हारी तरह रिपल्सर्स और यूनिबीम्स है। और क्या क्या है? तुम्हारे पास एनर्जी बॉम्ब्स भी हैं। तुम्हारा मतलब लेजर ग्रेनेड? क्या बात है! प्लीज 2 मिनट के लिए रुक जाओ। ये वाला क्या करता है? स्टेल्थ मोड? देखो, अब तो मैं इनविजिबल वुमन बन गई। स्टेल्थ फंक्शन से बैटरी कम हो जाती है, इसलिए तुम। नो, मैं आ गई, चली गई, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। शायद हमें उसे स्टेल्थ मशीन बुलाना चाहिए। परेशान करने वाली मशीन कैसा रहे? ओहो, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मक्लुआन एनर्जी पहचानी गई है। मिल गई, आखिरकार। आखिरकार क्या? ये जीन ही है, उसके रिंग से मक्लुआन एनर्जी निकलती है। वो पूरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दसवीं रिंग की तलाश में है। तो अब वो कहाँ है? मेनलैंड चाइना में। चाइना? तुम्हारा मतलब दुनिया की दूसरी तरफ वाला चाइना? ये कोई छोटी ट्रिप नहीं होगी, हमें कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। हम सबको बनाना पड़ेगा, तुम्हें हमारी जरूरत है, इसलिए बहस मत करना। ठीक है, तो हमें एक कवर स्टोरी की जरूरत है, कोई आइडियाज है? माँ सुनो तो, क्या मैं इस वीकेंड टोनी के यहाँ रह सकता हूँ? हम उसके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। पार्ट
टी? नहीं पापा, वहाँ सिर्फ मैं, रोडी और टोनी होंगे, यही तो है हमारी साइंस टीम। ओ पापा प्लीज हाँ कह दीजिए, प्लीज 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 प्लीज, वरना मैं आपसे कहती रहूंगी प्लीज जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे। हाँ हाँ बेशक, पेपर के पापा ने हाँ कह दिया है पापा, आप चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं। पापा जरूर टोनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पहले मुझे ये बता दो कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। तुम भी अपनी मॉम जैसे राज रखने में माहिर हो, तो मुझे सच बताओगे या नहीं? मैं 3 दिन में 18 साल का हो जाऊंगा, आपको मेरे बारे में हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। ओ सच में, जब तक तुम मेरी छत के नीचे रह रहे हो तब तक जरूरत है। उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका सारा वक्त तो काम में। ये क्या आप हथियार बना रहे हैं एंथनी? तो फिर ये क्या है, आप फिर से हथियार बना रहे हैं? इतने सब के बाद भी आपने मुझसे वादा किया था। तुम प्लीज शांत हो जाओगे, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। आपने मुझसे झूठ बोला टोनी। माँ काश आप ये सब देखने आज यहाँ होती। सिर्फ मैं ही हूँ जो इस दुनिया में शांति ला सकता है। मैं वही हीरो बनूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ। यही मेरी किस्मत है, और कमाल देखो कि ये सब खत्म वही हो रहा है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। मुझे सब समझ में आ रहा है। शुक्रिया माँ, शुक्रिया मेरे महान पूर्वजों। टोनी क्या तुम हो? नहीं सर मैं हूँ। मुझे कुछ ऐसा दिखा है जिसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, वो अजनबी है पर हमारी है। मुश्किल ये है कि हमारे पास इसे अंतरिक्ष में छोड़े जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये क्या हो सकता है मिस्टर स्टार्क? टोनी इस पूरे सफर में तुमने एक शब्द भी नहीं कहा है, कुछ तो कहो। नहीं टोनी, मुझे यकीन है तुम्हारे डैड ने बहुत सोच समझ कर एक नया हथियार बनाया होगा। क्या कहते हो? बिना सोचे समझे आगे मत बढ़ो टोनी, हमें एक अच्छा प्लान चाहिए। चेतावनी, मिसाइल वार कर रही है। चेतावनी, मिसाइल वार कर रही है। कई मतलब कितनी? ओ इतनी सारी? ये ठीक नहीं है। याद है मैंने कहा था कि एक अच्छा प्लान होना चाहिए? मैं जज्बाती हो गया था रोडी, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। मैं तुम्हारी बातचीत रुकाना नहीं चाहती, पर हम पर हमला हो रहा है। आर्मोरीना आ गई बचाने। आर्मोरीना अच्छा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो भाई, हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? चलो कुछ मजा करते हैं। तुम क्या सोच रहे थे? रुको मेरे पास एक आइडिया है। वो कमाल तुमने कैसे किया? मैंने एक्सट्रीमिस्ट से उनके कंप्यूटर को हैक किया, अभी वो लोग 3 नकली डॉट्स का पीछा कर रहे हैं। बढ़िया, अगली बार उसी से शुरुआत करना। हाँ जानता हूँ, चलो जीन को ढूंढते हैं। जरा उसे सैटेलाइट से मिली जानकारी से अपने GPS पर लोकेट करता हूँ। टोनी शायद तुम्हें इतना सब करने की जरूरत ना पड़े। पहुँच गए। नहीं, 2 दिन, 2 दिन हो गए मुझे इन अंधेरी गलियों में चलते हुए, उड़ते हुए, टेलीपोर्ट करते हुए, और अब मैं वहीं पहुंच गया हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। ये सब बहुत आसान था जब हॉवर्ड स्टार्क मेरी मदद कर रहा था। मैं ये कर सकता हूं, ये मेरी किस्मत है, चाहे मुझे कितना भी वक्त लग जाए। क्या ये आवाज तो टोनी की है? ये तो बहुत ही बड़ी जगह है। तुमने बाहर बांस के टूटे हुए पेड़ देखे? ये जगह पृथ्वी की गहराइयों से आई है। इसका मतलब 9 रिंग्स के साथ जीन इतना ताकतवर हो गया है। उम्मीद है उसे 10वीं रिंग ना मिली हो। बिल्कुल ठीक कहा। खजाना? नहीं, ये बस चाइना का एक सिक्का है। जीन ने रास्ता ढूंढने के लिए इसे डाला होगा। अब
तुम 2 से 3 हो गए हो। लगता है आयरन टीम बना ली है तुमने। बहुत बड़ी गलती की तुमने मैंडरिन। हेलो नए सदस्य, मैंडरिन की ताकत का जलवा देखने के लिए तैयार हो? बस भी करो जीन, मैं तुमसे इम्प्रेस नहीं होने वाली। पेपर, ये तुम हो? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता पेपर, पर मैं अपनी किस्मत के बीच किसी को आने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम पागल हो गए हो जीन, यकीन नहीं होता तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, मुझे माफ कर दो। माफी तो तुम अब मांगोगे। वो सुरंग, वो छलावा थी, यही तो है, ये तो वो रिंग लेने जा रहा है। तुमने बहुत देर कर दी टोनी, मेरी किस्मत को। इस जगह का रखवाला वही होगा, 10वीं रिंग का रक्षक, मगर ये तो मेरी कल्पना है। तुम जीन खान, तुम्हारे अंदर ड्रैगन सीड है। क्या है? ड्रैगन सीड, इसका मतलब तुम पूरी तरह इंसान नहीं हो। ये सब बहुत अजीब होता जा रहा है। अगर मैं इंसान नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? तुम्हारे अंदर माकलुआन का अंश भी है, जैसा कि तुम्हारे पूर्वजों में भी था, इसीलिए तुम रिंग्स का इस्तेमाल कर पाते हो, पर तुम्हारे सौतेले पिता जैन में ये नहीं था। माकलुआन तो जीन में रिंग का अंश है? ये रिंग्स मेरे लोगों ने बनाई थी, माकलुआन लोगों ने, ब्रह्मांड के पहले तारे के दिल से बनाई गई। वो सब हमारे देवता के लिए बनाई गई थी, जिन्होंने रिंग्स की ताकत की मदद से कई दुनियाओं पर कब्जा किया, संस्कृतियां बर्बाद की। हजारों सालों पहले हमारा यही तरीका था, या तो दुनिया पर हुकूमत करना या उसे बर्बाद कर देना। फिर एक दिन आया जब मुझसे ये सब और न देखा गया, जब हमारे देवता खाने पीने में डूबे हुए थे, तो मैंने उनके महल से ये रिंग्स चुराई और चुपचाप वहां से निकल गया, पर उन्होंने मुझे देख लिया और फिर हमारे देवता लाखों सालों तक मेरा पीछा करते रहे, जब तक मैं एक दूर दराज की गैलेक्सी में आया, जहां मुझे एक ऐसा ग्रह मिला जो रहने लायक था, पृथ्वी। यहां के लोगों के तरीके बहुत प्राचीन थे, पर उनके दिल बहुत साफ थे। वो उस किसी भी प्रजाति की तरह नहीं थे जिनसे मैं मिल चुका था। खासकर एक इंसान तो अपने आदमियों के लिए वरदान समान था, निस्वार्थी, दयालु और ताकतवर। मुझे पता था कि महान जैंग इन रिंग्स को इस्तेमाल करने के काबिल है, और तब मैंने उसे ड्रैगन सीड का वरदान दिया। उससे उसका डीएनए बदल गया और उसके पास 10 रिंग्स की ताकत हासिल करने की क्षमता आ गई। ये आदमी तुम्हारा पूर्वज बना पहला मैंडरिन, और अब ये इज्जत तुमको दी जा रही है जीन खान। अब सब समझ में आ गया। मेरे सपने, मेरी तस्वीरें, मैं बचपन में तुम्हारी तस्वीरें बनाया करता था। तो जीन में रिंग का नहीं पर एक एलियन का अंश है? मुझे पता था कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिससे घिन आती है। एक मिनट, अगर ये सब सच है तो रिंग्स छिपी हुई क्यों थी? अपने बुढ़ापे में पहले मैंडरिन अपने बच्चों से सावधान हुए जो रिंग्स का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। तब उन्होंने रिंग्स को चारों दिशाओं में बिखेर देने का फैसला किया और 10वीं रिंग मुझे वापस कर दी। अब तक मैं गहरी नींद में था, उसे एक इंसान का इंतजार करता हुआ जो बाकी 9 रिंग्स ढूंढ निकालेगा और उनकी ताकत से मुझे ढूंढेगा। तो बताओ जीन खान, क्या तुम इस ताकत के लायक हो? हाँ, मैं लायक हूँ, और ये बात साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हारे दिल पर काले सायों की छाया है। टोनी, अब हम क्या करेंगे? उम्मीद करते हैं वो छिपकली जीन को उसकी जगह दिखा देगी। जीन, उसे जाने दो, तुम इस रखवाले को नहीं हरा सकते, यही सबसे ताकतवर रखवाला है। ये मेरी किस्मत है स्टार्क, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तुम्हारे पूर्वज रिंग्स का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छे से जानते थे, वो कुछ नहीं थे। क्या ये नामुमकिन है? मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। इतनी चिढ़,
इतना गुस्सा, तुम 10 रिंग्स के लायक बिल्कुल नहीं हो। तुमने मेरे जन्म सिद्ध अधिकार को ललकारा। पेपर, मुझे पकड़ लो। दसवीं माकुलवान रिंग मेरी होकर रहेगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते एलियन। तो तुम्हें भी चोट लगती है टोनी, हम जीन को जीतने नहीं दे सकते। अगर उसने सारे रिंग हासिल कर दी तो। तुमने सही कहा पेपर। रोडी, हाँ हो जाए। तुमने भी कहा था कि ये ताकत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम मेरा हक मुझसे छीन नहीं सकते। तुम समझ नहीं रहे, मैं ही इस दुनिया में फैली गड़बड़ी को शांत कर सकता हूँ, मेरा यकीन करो। ओ, मुझे लगता है वो तुम पर यकीन करता है जी। तुमने मेरी मदद की। हाँ, दरअसल दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मेरे सिर के अंदर है। मेरे भी। जीन खान के मुकाबले तुम इन रिंग्स के ज्यादा काबिल हो। शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है अपने डीएनए में बदलाव लाने का, बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारी बात नहीं बल्कि मादा की बात कर रहा था। देखा, हर कहानी की शुरुआत या अंत शानदार टोनी स्टार्क से नहीं होता। रुको, क्या मैं? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी धरोहर से दूर रख पाओगे बेवकूफो? पेपर, स्टेल्थ मोड अभी। ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हें बर्बाद करना है। तुम अपने दोस्तों को नहीं बचा सकती पेपर, तुम गलत सोच रही हो। तुम इतनी ताकतवर नहीं हो कि मुझे रोक सको। अब तक तो मैं ये काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ। कैसे, कैसे किया? पता है मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा? ये रिंग्स बहुत ज्यादा ताकतवर है और वैसे भी तुम्हारी बक बक तो चलती ही रहती है। तो हम कहाँ थे माकलुआन? तुम अपने वंश के नाम पर थप्पा हो जीन खान, तुम एक राक्षस हो। खामोश, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब बताओ कौन है? ताकत महसूस कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ हर कण, हर किस्म के परमाणु, सब कुछ कितना खूबसूरत है, यकीन नहीं होता, कितना अनोखा। अब तो मैं इंसान भी नहीं रहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आयरन मैन को जब चाहे बर्बाद कर सकता हूँ। जीन, ऐसा मत करो। मुझे नफरत है तुमसे, तुमने मेरा दोस्त बनने का नाटक किया था। ये क्या कह रहे हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे, ये उस ताकत की वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारे झूठ से थक गया हूँ अलविदा टोनी स्टार्क। कौन, कहीं पेपर में तो नहीं? हॉवर्ड स्टार्क, तुम ठीक तो हो? मैं कुछ समझा नहीं। एंथनी, तुम ठीक तो हो? क्या एंथनी? नहीं सर, मैं टोनी, अब ये नाटक बंद कर सकते हो बेटे। कैसे, आपको कैसे पता चला? जब मैंने पहली बार आयरन मैन को अखबार में देखा था, मेरे अगवा होने के बाद मैं समझ गया था कि सिर्फ तुम वैसा कवच बना सकते हो। ये तुमने क्या कर दिया? जीन, ये हथियार एक क्वांटम डॉट एनर्जी फील्ड सप्रेसर है। मैंने इसे खास तौर पर माकलुआन अंगूठियों को शॉर्ट सर्किट करने के लिए बनाया है। तुम बहुत हंसी आ रही है जीन। तुमने बहुत देर कर दी स्टार्क, मेरे 10वीं रिंग हासिल करने से पहले तुम्हें यह हथियार बना लेना था। आप मुझे कोई नहीं रोक सकता।
मैं चाहूं तो असलियत को भी बदल सकता हूं। ताकत। और अब हावर्ड स्टार्क, ये है तुम्हारी गुस्ताखी की सजा। नहीं, कोई बात नहीं बेटे। आखिरी पलों में हिम्मत दिखा रहे हो स्टार्क। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सही साबित करो जीन। आगे बढ़ो, मुझे मार गिराओ। तुम कोई महान हीरो नहीं हो, ना ही राजा बनने के काबिल। तुम बस ताकत के भूखे एक बच्चे हो जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देना चाहता है। झूठ, ये बिल्कुल सच नहीं है। तो फिर जीन, इन्हें गलत साबित करो। ऐसा मत करो। मैं तुम सबको गलत साबित करूंगा और ये बात मैं पूरी दुनिया के सामने साबित करके रहूंगा। पापा, आप ठीक तो हैं? ये सोचकर कि वो मेरे झांसे में आ गया, मैं ठीक हूँ। झांसे में? आपका मतलब आप? मैं समझ गया था कि तुम वॉर मशीन हो रोडी, पर ये कोई नया है। प्लीज 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 मेरे पापा को मत बता। रेस्क्यू। रेस्क्यू, ये कैसा नाम है? बहुत ही सुपर डुपर कूल तरह का नाम। मेरा मतलब, मैं कई बार तुम दोनों को बचाने के लिए तो आ ही चुकी हूँ। तुमने मैं बचाया कब? रेस्क्यू मुझे पसंद आया। मुझे भी। मिस्टर स्टार्क, क्या आप मेरी माँ को इस बारे में बता देंगे? मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम सब जो कर रहे हो वो ठीक है, पर अगर मैं भी तुम्हारी उम्र का होता और मेरे पास भी एक हाईटेक कवच होता तो। मिस्टर स्टार्क, आपने सुना नहीं, उस एलियन ने कहा कि मैं ही हूँ जो सारी रिंग्स पहनने के लिए लायक हूँ। मुझे नहीं लगता कि बहुत फक्र की बात है, देखा ना रिंग्स का अंजाम क्या हुआ। हाँ, पर मैं बड़े ऊंचे उसूलों वाली लड़की हूँ। मैं जानता हूँ कि हालात खराब है बेटे, पर कम से कम हम जिंदा तो हैं। सच में, फिलहाल जीन के पास सारी रिंग्स हैं, वो जीत गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब इस वक्त जीन खान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, और इसका मतलब है कि पूरी दुनिया बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में है, बहुत बड़ी मुसीबत में है।